करके हमारे काम को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये टाइम मैनेज करके हमारे काम को और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे स्ट्रेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो है, ये सारी चीजें जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सारे चीजें जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम आजकल का जो है दौर में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम टाइम किस में कितने समय हम देना चाहते हैं, किस में कितना समय देना चाहिए, इन सारी चीजों को अगर हम मैनेज करेंगे तो बहुत सारे टाइम हमें बच जाता है और हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, ये कॉमन है कि हम सुनते हैं कि टाइम नहीं है, क्योंकि ये बात सुनने को मिलता है क्योंकि हम लोग मैनेज नहीं कर पाते टाइम को। इसके वजह से क्या होता है, टाइम नहीं है जो ये बताना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग इसको प्रॉपर वे से, इसको एक शेड्यूल बनाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, हमारे जो इम्पोर्टेंट चीजें है उसको पहले करेंगे, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको लास्ट में करना है, तो इस तरीके से हम लोग अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज इन टाइम मैनेजमेंट के सारे टेक्निक्स कैसे हम लोग करेंगे, इन सारे डिटेल्स को हम लोग आप लोग इसके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। विशाल सर आप लोग के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो विशाल सर इन सारी चीजों के बारे में आप लोग को बताएगा। तो मैं वेलकम करता हूँ विशाल सर को, और आज वो आज का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का सेशन है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ में। अगर हम लोग इसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो हम लोग का जो है लाइफ जो है स्ट्रेस में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के दौर के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, उनका शेड्यूल जो है बहुत ही बिजी रहता है। तो इसलिए इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसको हम लोग कैसे शेड्यूलिंग करके मैनेज कर पाएंगे, तो ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है हर एक के लाइफ के लिए। अगर आप स्टूडेंट है या फिर बिजनेस पर्सन है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, हर एक के लिए ये इम्पोर्टेंट जो सेशन है काफी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक टॉपिक को, और कैसे हम लोग इस टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, हर एक टेक्निक्स यहाँ पे बताया गया है। तो अगर ये इसको ध्यान से सीखेंगे और फॉलो करेंगे स्टेप्स को, तो आपका जो दिनचर्या है, जो डेली का आपका काम है, वो काफी उसको करने में आपको बहुत हेल्पफुल फील होगा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो तो बात है, तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि हम लोग जब टाइम को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्लानिंग पहले कर लिया उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि हम लोग का हर एक एक्टिविटी का टाइम, जैसे कि हम लोग मान लीजिए ऑफिस का काम, घर का काम, उसको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, टाइम के अंदर ही उसको कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग का इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे। इफेक्टिवनेस मतलब कितना इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं काम को करने में, एफिशिएंसी मतलब हम लोग का कार्य क्षमता कितना है, कार्य करने का कितना क्षमता है, और लास्ट में प्रोडक्टिविटी मतलब हम लोग कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस काम को करने के बाद, कितना वैल्यू हम लोग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, अपने आप को और अपने फैमिली को, कितना प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। यही है हम लोग का टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, हम लोग का जो है जो लाइफ में बहुत सारा इशू हो जाएगा। अगर हम लोग प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम लोग का प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं होगा, हम लोग अपना गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, और हम लोग का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी काफी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम लोग का ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ा रहे और हम लोग अपने काम को लेके सेटिस्फेक्शन भी रहे। तो इसलिए जो टाइम मैनेज का सेशन है काफी इम्पोर्टेंट है। तो बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो हम लोग टाइम को मैनेज करके क्या क्या बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो बेनिफिट है उसका
होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हम लोग का प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई रहेगा, मतलब हम लोग उत्पाद ज्यादा जनरेट कर पाएंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे थे और वहाँ पे 5 पन्ना या फिर 10 पन्ना पढ़ पा रहे थे, अभी अगर आप लोग शेड्यूलिंग करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप 1 2 पन्ना ज्यादा पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है क्या, रिड्यूस स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाएगा। ओके, पहला जो पॉइंट है आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, नेक्स्ट आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम होगा अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करेंगे, आपका जो स्ट्रेस लेवल है काफी कम जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन होगा, आप काम को भी सही टाइम दे पाएंगे और अपना जो घर परिवार है उसमें भी अच्छे से टाइम दे पाएंगे। नेक्स्ट आपका अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा एडवांसमेंट के लिए, तो आप अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लेंगे आपका और एक्स्ट्रा टाइम आपका बच जाएगा, उस एक्स्ट्रा टाइम में आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क, तो वो करके आप अपना करियर को और ज्यादा इनहांस कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को टाइम मैनेज करना है क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि पहला इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस हम लोग का कम होगा, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, आपका अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी टाइम मैनेज करने के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस आपके पास आएंगे। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है वो है प्रोक्रास्टिनेशन का। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम को टालना, से सभी सभी का होता है, आज का काम तो कल पे टाल देते हैं, तो ऐसे करके अगर हम चलेंगे तो आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को समय का काम समय को ही करना है, उसको टालते नहीं रहना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शन, हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपना काम से, अगर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो जैसे कि आज का दौर पे जैसे कि डिजिटल डिवाइसेस हो गया, मोबाइल फोन्स और या फिर सोशल मीडिया, इस सब पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो हम लोग हर टाइम मोबाइल चेक करते रहते हैं, तो हम लोग का एक डिस्ट्रैक्शन बनता रहता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन को हटा के हम लोग को काम पे ध्यान देना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको पढ़ रहे आप, कोई आपका दोस्त आपको बुला लिया, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कॉल आपको आ गया, तो इस डिस्ट्रेक्शन को हटा कर प्रॉपर काम पे ध्यान देना, तो वही हम लोग का एक चैलेंज है कैसे करेंगे। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, हम लोग काम को प्रायोरिटी नहीं देते, जैसे कि जो आपका इम्पोर्टेंट सबसे काम है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज आपको करना है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम है उसको थोड़ा कम प्रायोरिटाइज करना है, तो ऐसे करके आपको शेड्यूल करना है, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले करने, जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको उसके बाद करने, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे अपने काम को प्रायोरिटी दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ओवर कमिटमेंट, आप लोग ओवर कमिट मत कीजिए, जो कोई भी अगर आपको कोई काम दे रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा काम नहीं, जितना आप काम कर पाएंगे उतना ही काम कीजिए लीजिए, तो ही आप प्रॉपर टाइम पे काम को डिलीवर कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप कितना टाइम लगेगा, आपको मान लीजिए 1 दिन लगेगा, पूरा दिन ले लीजिएगा, आप अगर बोल रहे हैं कि आधा दिन में हो जाएगा लेकिन आप काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ओवर कमिट नहीं करना है, जितना आप कर सकेंगे उतना ही आपको कमिट करना है, विद इन टाइम आपको काम कंप्लीट करके देना है। नेक्स्ट आपको अपना जो गोल्स है उसको एक स्मार्ट गोल्स बनाना पड़ेगा, स्मार्ट का एक फुल फॉर्म है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, एस से हम लोग का स्पेसिफिक गोल होगा, जो भी काम रहेगा वो आपका स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 आवर में, अगर आप स्टूडेंट हैं 1 आवर में आपको 10 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने या फिर 10 सम्स करने, तो एक प्रॉपर आप लोग गोल सेट ले लीजिए कि इतना टाइम पे इतना ही करना पड़ेगा, वो क्या होता है स्पेसिफिक, आप लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं क्या करना है। नेक्स्ट है क्या मेजरेबल, आपको मेजर करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए आप अगर
एक घंटा पे टेस्ट, तो मतलब 15 मिनट पे आपको एटलीस्ट चार, 3 से 4 करना पड़ेगा। तो वो आपको मेजर करना है कितना टाइम पे कितना होगा, उसको इसलिए बोला गया है कि मेजरेबल, स्पेसिफिक मेजरेबल, अचीवेबल। अचीव मतलब ऐसा गोल लीजिए कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ा आप गोल ले लेंगे उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने 1 घंटे में 50 सम्स करने हैं तो वो आपको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आप गोल लीजिए जो कि अचीवेबल हो, जिसको आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रेलेवेंट गोल, आपका रेलेवेंट होना है, जो आप काम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट होना है। जैसे आपको अगर गोल ले लिया कि 2 घंटे में आपको मूवी देखना है, लेकिन वो आपका कोई काम का ही नहीं, तो वो गोल लेके आपको कोई फायदा नहीं है। आपको एक रिलेवेंट गोल लेना है जो कि आपका काम पे आपको हेल्प करेगा। लास्टली आपका टाइम बाउंड, टाइम उसको बाउंड करना है, जैसे कि मैंने दे दिया था 1 घंटा में स्पेसिफिक काम करना है, तो वो 1 घंटा आपका क्या है, टाइम बाउंड है, उस 1 घंटा में ही आपको करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आगे अगर हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, इसलिए बोला गया कि टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स, पहले आपको स्पेसिफिक गोल लेना है, नेक्स्ट आपको मेजरेबल गोल्स लेने, नेक्स्ट अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। अभी ये प्रायोरिटाइज करने का कुछ कुछ टेक्निक्स है, तो वो हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोग अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। ये टेक्निक्स, पहला जो टेक्निक है उसका नाम बोला गया आइजेन हावर मैट्रिक्स, आइजेन हावर मैट्रिक्स। तो इसको इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, टाइम को इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के द्वार पर हम लोग 4 मैट्रिक्स पे डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसको टाइम इम्पोर्टेंसी एंड अर्जेंसी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो पहला जो काम है, देखिए ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इधर स्क्रीन पे, तो यहाँ पे पहले इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, पहले जो काम आपका इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है वो आपको डू इट, मतलब वो आपको करना ही करना है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डेडलाइन लीजिए और जल्दी से जल्दी उसको कॉम्प्लीट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको क्लाइंट को आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप डिलीवर करना है, तो जल्दी से जल्दी देना है आपको, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो जल्दी से जल्दी करके आपको देना है, इसलिए इसको बोला है डू इट, इसको कर लो, जो काम इम्पोर्टेंट अर्जेंट है उसको आपको करना है। फिर और भी हो सकता है, जैसे कि आपको आपका होमवर्क पूरा करना है विद इन स्पेसिफिक टाइम, तो जल्दी से जल्दी उसको कर लीजिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये वाला है नॉन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट आपका नहीं है, उसको आपको क्या करना है, शेड्यूल करना है कब उसको करेंगे, उसको एक टाइम दे देना है, इस टाइम पे हम लोग करेंगे इसको और विद इन टाइम उसको कंप्लीट कर देना है। शेड्यूल कर लीजिए कब करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिन में एक्सेस करना है, तो उसको एक टाइम दे दीजिए कि सुबह से 6 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो एक टाइम दे दीजिए, शेड्यूल कर लीजिए और डेली उसको फॉलो कीजिए। या फिर आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करना है, तो उसको भी एक टाइम दे दीजिए, जैसे कि रात को 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग स्किल को डेवलप करेंगे करके, तो इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। जो इम्पोर्टेंट और नॉन अर्जेंट है उसको हम लोग शेड्यूल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं जो कि नॉन इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन क्या है, अर्जेंट है, अर्जेंटली उसको करना ही करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक फेसबुक पेज है या फिर कोई भी सोशल मीडिया पेज है, उसमें आपको पोस्ट करना है, तो वो अर्जेंट है, क्योंकि आपका अगर बिजनेस पेज है तो उसको आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो एंगेजमेंट है कम रहेगा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को ये काम दे दीजिए करने के लिए। जैसे कि आपको छोटा भाई हो गया, या फिर आपने अगर किसी को काम पे रखा है तो उसको आप काम दे दीजिए, या फिर मान लीजिए खाना बनाना, खाना बनाने को आप कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए डेलीगेट भी कर पाएंगे, घर के अगर कोई दूसरा सदस्य है उसको बोल दीजिए आज बनाने के लिए आपका काम है, तो आप उस टाइम पे इसको डेलीगेट कर दीजिए, किसी और को करने के लिए दे दीजिए। आप उस टाइम पे दूसरे काम कर रहे होंगे इसलिए आप इसको डेलीगेट कर दीजिए, दूसरे किसी को दे दीजिए। लास्ट जो मैट्रिक्स का सेगमेंट है उसको है नॉन इम्पोर्टेंट और नॉन अर्जेंट, जो काम आपका इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है उसको कर दीजिए डिलीट। जैसे कि दिन में कुछ टाइम आप लोग वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया देख के, वीडियो गेम्स खेल के, फिर मोबाइल फोन को ज्यादा से ज्यादा ब्राउज करके इंटरनेट, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कि ये काम इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, या फिर बहुत ही कम टाइम के लिए यूज करना है, जैसे 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि इससे
क्या होता है कि बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, आप छोटा से छोटा चीज देखने जाते हैं और बहुत घंटा वहां पे लगा देते हैं, तो उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो ये है हम लोग का ई आयोजन मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग काम को चार हिस्से में बांटते हैं। पहला है आपका अर्जेंट, इम्पोर्टेंट अर्जेंट, उसको क्या करना है, डू इट, उसको आप जल्दी से जल्दी कर लो। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो उसको आपको शेड्यूल करना है, टाइम फिक्स करना है कब करना है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, उसको डेलीगेट करना है, किसी और को दे देना है काम करने के लिए। और जो कि आपका इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, उसको आपको डिलीट करना है, उसको काम को छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स, पहला टेक्निक है, इसका नाम है आइजेनहावर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपका मेथड है उसका नाम है ABCDE मेथड। तो इसमें पहले ए मतलब योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, जो काम आपका एकदम इम्पोर्टेंट है और मान लीजिए उसको एक हफ्ता में कंप्लीट ही करना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कोई सब्जेक्ट पर है, आप स्टूडेंट है, आपको एक सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं हुआ, तो आपको एक हफ्ता में चार चैप्टर्स कंप्लीट करने, तो उसको एकदम हायर प्रायोरिटी में रख दीजिए कि इस हफ्ता में ये काम मुझे करना ही करना है, तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी काम हो गया। नेक्स्ट आपका मीडियम प्रायोरिटी काम हो गया, जिसको आप मीडियम प्रायोरिटी पे रख पाएंगे। जैसे कि आपका हो गया, जो सब्जेक्ट आपका हो गया है, आपको खाली थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट वीक के लिए रख दीजिए, उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका हो गया कि जो लोएस्ट प्रायोरिटीज नो नीडल मूवर, उसको आप आराम से कर पाएंगे, एकदम आराम से कर पाएंगे, आपका ऑलमोस्ट काम हो गया है, एक बार खाली रिवाइज करने बस हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई सब्जेक्ट है, उसको आपको खाली रिवाइज करने आपका हो जाएगा, एक दिन अच्छे से, 2 दिन अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, तो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी में आ गया। नेक्स्ट डेलीगेट टास्क टू समवन, जो जो काम देखिए आपको करना नहीं है, दूसरे को डेलीगेट कर दीजिए, या तो कोई हायर कर लीजिए या फिर घर में कोई है उसको दे दीजिए, तो उसको डेलीगेट करके दूसरे किसी से करवा लीजिए। और लास्टली है डिलीट, जो काम एलिमिनेट आपको कर देना है, एलिमिनेट टास्क दैट डू नॉट मैटर, जो काम आपको कोई फायदा नहीं देगा उसको मत देगा, उसको डिलीट ही कर दीजिए। जैसे कि मैंने बोला था सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स, तो अगर आपको लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं कर रहे तो उसको रख के कोई फायदा नहीं, उसको डिलीट कर दीजिए, या फिर बहुत ही कम टाइम के लिए उसको यूज कीजिए फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो ये मेथड क्या है, ABCDE मेथड। पहला है हायर प्रायोरिटी, जो एकदम इम्पोर्टेंट काम है उसको जल्दी से जल्दी एक हफ्ता में कर लीजिए। नेक्स्ट जो मीडियम प्रायोरिटी है उसको नेक्स्ट हफ्ता में आप कीजिए, उसके बाद जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको और भी बाद में कीजिए, जो कि आपको खाली एक बार देखना है हो जाएगा। और जो काम आप डेलीगेट कर सकते हैं उसको डेलीगेट कर दीजिए, किसी और को दे दीजिए। लास्ट में जो काम आपको करना ही नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए और एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, पावर ऑफ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का नाम आपने सुना होगा, कि टू डू लिस्ट काफी इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो इससे आपका क्या होता है, आपका इम्प्रूव ऑर्गेनाइज, मतलब आपका काम जो है ऑर्गेनाइज वे में रहता है, सही क्रम पे रहता है, तो आप प्रॉपरली उस क्रम के अनुसार अपना काम जो है कर पाएंगे। नेक्स्ट ये भी आपका प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं, आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपरली टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आप कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका स्ट्रेस लेवल जो है कम रहेगा, क्योंकि आपने काम को लिख लिया है किस टाइम पे कितना काम करना है, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम रहेगा। नेक्स्ट आपका इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, आप काम को अकाउंट काम का एक अकाउंट सबके पास रखेगा कि इस दिन में मेरा इतना काम हो गया, तो काम का एक हिसाब आपके पास रह जाएगा कि कितना दिन में मैंने कितना टाइम काम किया है। अगर आप प्रॉपर डेट के साथ टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आपका डेट भी रहेगा, तो आपको याद रहेगा इस दिन में ये काम किया था, दूसरा दिन में इतना किया था, तो आपका एक प्रॉपर अकाउंट्स रहेगा कितना दिन में आप कितना काम किए। लास्टली क्लियर प्रायोरिटाइजेशन, आपका प्रायोरिटी भी सेट रहेगा कि ये काम पहले करना है, ये काम नेक्स्ट करना है, तो आपका प्रायोरिटी एकदम क्लियर रहेगा। सो ये आपका टू डू लिस्ट बनाने का बेनिफिट्स। टू डू लिस्ट मतलब आप क्या करेंगे, आप काम को क्या क्या काम है
पेज में या फिर आपका कोई ऐप है, अगर वो ऐप में भी लिख पाएंगे तो इसका एग्जांपल हम लोग एकदम लास्ट में देखते हैं। अभी टाइप्स ऑफ टू डू लिस्ट, क्या क्या टाइप के आपका टू डू लिस्ट रहते हैं। पहला जो टाइप है वो डेली लिस्ट, तो डेली काम के लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं। सुबह उठ के ये लिस्ट बना लीजिए, ठीक, सुबह मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, उसके बाद ये करना है। आप अगर प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे तो आप आपका दिन को शेड्यूल कर पाएंगे, कौन सा दिन में क्या काम करना है। तो सुबह उठ के आपको डेली लिस्ट बना लेना है, जैसे कि सुबह उठ के पहले आपको एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको नाश्ता करना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, उसके बाद रेस्ट करना है, क्योंकि आप प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं, उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका वीकली लिस्ट, तो वीक में आप क्या क्या काम खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कौन सा सब्जेक्ट आपको खत्म करना है, आपका अगर एग्जाम नजदीक है, या फिर ऑफिस में भी आपका क्या क्या काम है, जैसे अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, कुछ सेमिनार अटेंड करना है, तो क्या क्या काम है उसका एक आप प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं और उस वीक में ये काम करेंगे। मंथली लिस्ट, मंथ का भी आप लिस्ट बना सकते हैं कि इस मंथ पे हम लोग क्या क्या काम करेंगे। और लास्टली है आपका ईयरली लिस्ट, ईयरली भी लिस्ट बना सकते हैं, इस ईयर में हमको ये कोर्स कंप्लीट करना है, अगर कोई किसी का हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ के लिए हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है, और हम मेरा वजन कम घटाना है या फिर बढ़ाना है, उस हिसाब से आप ईयरली लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये रहता है टाइप्स ऑफ टू डू लिस्ट, आप डेली भी बना सकते हैं, वीकली, मंथली और ईयरली, चारों बना लीजिए तो और भी अच्छा रहेगा, आप लिस्ट के अनुसार काम कर पाएंगे। तो ये एक टू डू लिस्ट का एग्जाम्पल है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप ऐसे करके आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो टू डू लिस्ट है ये ऑफिस के लिए, आप अगर स्टूडेंट है आप अपने लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेस्पॉन्ड टू क्लाइंट ईमेल, तो आप लिख सकते हैं कि रीड सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन, एक सब्जेक्ट आपको खत्म करना है। नेक्स्ट आपको ब्रेक लेना है 5 मिनट का, उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट खत्म करना है, उसके बाद आपका कुछ हॉबीज है, अगर कुछ रीडिंग बुक करते हैं, इसके बाद आप क्राफ्ट करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप दिन दिन में एक्सरसाइज आप करेंगे शाम को या सुबह, वो भी सेट कर सकते हैं, दो एक्सरसाइज से करके लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपका घर का जितना काम है, जैसे कि आप कोई सामान लाना है दुकान से, वो भी काम आप शेड्यूल कर लीजिए। इसके बाद आपको पेरेंट्स के साथ बात करना है, फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशन करना है, वो भी लिस्ट में घुसा दीजिए। उसके बाद अगर आपको होमवर्क करना है तो होमवर्क के लिए भी एक टाइम शेड्यूल कीजिए। लास्टली आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो वो भी शेड्यूल कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल ऑफ टू डू लिस्ट है। आप अगर स्टूडेंट है अपने लिए भी एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बना सकते हैं, और टू डू लिस्ट के अनुसार अपने दिन को सेट कर सकते हैं कि कौन सा टाइम पे आपको कौन सा काम करना है। प्रॉपर अगर आपका टू डू लिस्ट बन गया तो आप उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। तो जो भी काम आपका हो जाएगा उसको आप एक बार टिक कर लीजिए, नेक्स्ट काम हो गया उसको टिक कर लीजिए, तो जो जो काम है उसको आप टिक करते रहिए। तो टू डू लिस्ट बनाने के लिए आप छोटा सा एक डायरी ले सकते हैं, उसमें टू डू लिस्ट बना सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल पे बहुत सारा एप्स मिलता है, आप अगर प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे टू डू लिस्ट, वहां से भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कॉपी या फिर डायरी में ही करें, क्योंकि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, टू डू लिस्ट आप खोलने जाएंगे और कोई सोशल मीडिया में चले जा सकते हैं। तो इसलिए क्या करिए, आप एक कॉपी पेन पे ही टू डू लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट है आपका टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग, तो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक आप लोग यूज कर सकते हैं। अभी ये टाइम ब्लॉकिंग क्या है, ये प्रोडक्टिविटी टेक्निक है, जहाँ पे आप अपने हर टास्क को प्रॉपर ब्लॉक्स में शेड्यूल करते हैं, ताकि आपका पर्टिकुलर टाइम काम एक प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए। मतलब हर एक काम के लिए आप प्रॉपर टाइमिंग सेट करें, जैसे कि सुबह आप ये 6 से 6:30 आपको एक्सरसाइज करने, उसके बाद 6:30 से 7 बजे आपको रेस्ट करने, तो ऐसे क्या क्या, या फिर आपको बेदिंग करने, ब्रेकफास्ट करने, कौन सा टाइम पे क्या क्या करना है उसका एक टाइम पे ब्लॉक कर दीजिए, कि उस टाइम पे आप वही काम करेंगे, दूसरे कोई काम नहीं करेंगे। तो उसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। तो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम करना है, और उस टाइम पे खाली वही काम करना है, दूसरा टाइम
दूसरा काम नहीं करना। इसे हम लोग डीप वर्क भी कहते हैं, डीप वर्क भी कहा जाता है। ये टाइम वर्किंग के साथ रिलेटेड है, एक टाइम पे एक ही काम करना है और उसको पूरा फोकस के साथ करना है, तो आपका जो काम है प्रॉपरली कर पाएंगे और आपका प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छा हो जाएगा। तो टाइम ब्लॉकिंग कैसे किया जाता है, पहले आपको क्या करना है, आपका क्या क्या काम है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या काम है। सबको एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे आप टू डू लिस्ट बनाता है, तो वैसे एक लिस्ट बना लीजिए कि मान लीजिए डेली आप बना रहे हैं, सो प्रॉपर टाइम पे कौन सा काम करना है पहले लिस्ट बना लीजिए। नेक्स्ट क्या करना है आपको, प्रायोरिटाइज करना है, मतलब कौन से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से काम लेस इंपॉर्टेंट है, उसको एक आप टाइम ई हाइजन जो मैट्रिक्स था उसके हिसाब से इंपॉर्टेंसी एंड अर्जेंसी के हिसाब से उसको आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आपको ब्लॉक एलोकेट करना पड़ेगा, कौन सा टाइम पे कौन सा काम करना है उसका एक प्रॉपर ब्लॉक बना लीजिए। और याद रखिए बीच बीच में छोटा सा छोटा आपको गैप भी लेना है, गैप लेने से क्या होगा आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और आपका इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा, बीच बीच पे आपको ब्रेक ब्रेक भी लेना। नेक्स्ट स्टिक टू योर टू द शेड्यूल, आपको आप जो टाइम ब्लॉकिंग शेड्यूल बना है उसको आपको फॉलो करना है, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, ताकि आप अगर पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, जो भी आप सेट किए हैं टाइम ब्लॉकिंग मेथड, कौन सा काम कौन सा टाइम पे करना है, उसको आपको प्रॉपरली शेड्यूल करके प्रॉपरली उसको शेड्यूल को मेंटेन करने का, उसको ब्रेक मत कीजिए, नहीं तो आपको ही बुरा लगेगा, नेक्स्ट दिन आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपरली उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, रिव्यू एंड एडजस्ट। तो जब आपका दिन खत्म हो जाएगा आप एक बार देख लीजिए कि टाइम ब्लॉकिंग सेट करने में क्या क्या आपको गलती हुआ, उसको नेक्स्ट दिन उसको इम्प्रूव कीजिए और क्या क्या आप ज्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे, तो उसको रिव्यू करना है एडजस्ट करके और भी उसको अच्छा बनाना है। तो ये आपका टाइम ब्लॉकिंग मेथड, इसका हम लोग एक अभी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल है 8 से 9 मॉर्निंग रूटीन एंड प्लानिंग। तो मॉर्निंग रूटीन मतलब इसके आपका प्रेयर हो सकते हैं, आपका यहाँ पे 8 से 9 आपका 6 बजे से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो कोई भी टाइम पे दीजिए 8 से 9 मॉर्निंग रूटीन एंड प्लानिंग, मतलब आपको अगर मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज है या फिर आपका कोई पूजा पाठ हो सकता है तो उसको लिख दीजिए और आप दिन आपका प्लान कीजिए। नेक्स्ट 9 से 11 आपको यहाँ पे वर्क ऑन प्रोजेक्ट ए लिखना है, आप क्या कर सकते हैं, रीड सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स कोई सब्जेक्ट, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट का है वो आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उस टाइम पे खाली वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। उस टाइम पे आपको वही काम करना है। नेक्स्ट आप 15 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए, 11 से 11:15, उसके बाद प्रोजेक्ट भी दूसरा अगर कोई सब्जेक्ट है उस पर काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे काम पे आप शिफ्ट कीजिए, जैसे कि 9 से 11 आपने अगर कॉलिंग का काम किया, नेक्स्ट आप लिखने का अगर कुछ काम है तो लिखने का काम कर लीजिए, या फिर कंप्यूटर में कोई काम करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, एक्सेल फाइल बनाना है, वो काम कर लीजिए। नेक्स्ट आपका लंच ब्रेक रहेगा, लंच का आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक आप ब्रेक ले लीजिए। नेक्स्ट आपका कुछ अगर मीटिंग्स है, मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, या फिर आप अगर स्टूडेंट है उस टाइम पे आप अपना हॉबीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद फिर से ब्रेक लीजिए। उसके बाद जो आपका एकदम छोटा छोटा काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड ईमेल करना है, तो वो सब काम कर लीजिए। तो अगर आप स्टूडेंट है, जो जो सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है उस टाइम पे आप रिविजन कर लीजिए, क्योंकि सारा दिन आपने काम किया है, लास्ट मोमेंट पे आपका ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहता, तो उसमें जो इजी काम है तो वो इजी काम लास्ट में कीजिए और जो हार्ड काम है उसको पहले कर लेना, पहला टाइम ब्लॉक पे करना है। तो टाइम ब्लॉकिंग को ऐसे ही करना है कि पहले जो भी आवर्स रहे उसमें आपको डिफिकल्ट टास्क करने हैं और धीरे धीरे आपको डिफिकल्टी लेवल कमाना है, और लास्ट जो टाइम रहेगा वहाँ पे आप सब प्लान कर लीजिए नेक्स्ट दिन क्या काम करना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए। यहाँ पे जो टाइम लिखा है आप अपने हिसाब से टाइम लिखिए, ये फॉलो करना है ऐसे नहीं। नेक्स्ट जैसे कि पहले ही बताया गया था, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, आपको प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है। कैसे
कैसे करने, प्रोक्रास्टिनेशन जैसे मैंने बोला था काम को टालना, तो पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। तो इसका जो रीजन है बहुत सारा हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, सोशल मीडिया के वजह से हो सकता है, उसके बाद अब ज्यादा सोते हैं उसके वजह से हो सकता है। तो बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट्स है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। पहले उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आपका जो भी काम है उसको स्मॉलर स्टेप्स पे डिवाइड कर दीजिए। सिर्फ बड़ा काम को आप छोटे छोटे काम पे डिवाइड करना है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बुक खत्म करना है, तो आप उसको हर दिन कितना पेजेस या फिर हर वीक में कितना चैप्टर्स पढ़ना है, तो आप उसको शेड्यूल करके प्रॉपरली टास्क को ब्रेक कर लीजिए। छोटा छोटा स्टेप्स अगर अचीव करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप उस टास्क को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको टेक्निक्स यूज करना है, जैसे कि एक टेक्निक यहाँ पे बताया गया है कि पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने का एक काफी अच्छा टेक्निक है, तो देखते हैं हम ये टेक्निक क्या है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पहले एक टास्क को चूज करना है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो पहले आप उस टास्क को चूज कर लीजिए और सेट द टाइमर फॉर 25 मिनट्स। पहले 25 मिनट्स का आपको टाइमर सेट करना है, और उस 25 मिनट्स पे आपको वही टास्क पे फोकस करना है, बनाता रहिए उसको। उसके बाद जब 25 मिनट्स हो जाए, आप 5 मिनट का क्या कहते हैं ब्रेक लीजिए। 25 मिनट आपके काम के, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, घर का कोई काम कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन से दूरी रहिए क्योंकि डिस्ट्रेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से आपको इसे 4 बार करना है, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 4 मिनट 5 मिनट ब्रेक, ऐसे आपको 4 बार करना है। उसके बाद एक 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है, और फिर खाना खा सकते हैं आप और थोड़ा टहल के आ सकते हैं। तो अभी आप 15 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से ये प्रोसेस को रिपीट कीजिए। उसको बोलते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट का काम 5 मिनट का ब्रेक। तो ऐसे 4 बार किया, उसके बाद आपको 15 से 30 मिनट का एक ब्रेक लेना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो इससे क्या होता है, आपका इफेक्टिवनेस काफी बढ़ जाता है, और अपने काम को करने का मतलब खुशी भी आता है, बीच बीच में आप ब्रेक ले रहे हैं, तो आपका एक एंजॉयमेंट भी हो जाता है ब्रेक लेने से। ब्रेक क्या क्या टाइप का होगा वो सब भी हम लोग अभी देखेंगे। मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन आज के दिन पे तो डिस्ट्रैक्शंस काफी है, तो हम लोग डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करेंगे वो अभी देखेंगे। तो पहले हम लोग को देखना है क्या क्या डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है, क्या 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 चीज से हम लोग का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो पहला जो है स्मार्टफोन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है। पहला जो डिजिटल डिवाइसेस हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो पहले डिस्ट्रैक्शन है। पहले क्या क्या हो सकते हैं, हमका स्मार्टफोन से डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट ब्राउजिंग से डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो स्मार्टफोन को काम के वक्त दूर रखिएगा, और उसमें सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप इंटरनेट को भी ब्राउज कर सकते हैं, कोई वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, तो उसको दूर रखिएगा काम करने का टाइम। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन। आपका ऐसे अगर बहुत नॉइजी प्लेस में आप जाए, तो आपको बहुत आवाज आएगा, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। और अगर ऐसे कोई अगर आपको इंटरप्ट करते रहते हैं, जैसे कि अगर आप घर में काम कर रहे हैं, आपका दोस्त बार बार आपको बुलाता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स आपको बुलाते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। और क्लटर, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, वो जगह अगर बहुत मेसी रहा, बहुत चीजें इधर उधर रखा है, तो भी आपका काम करने का मन नहीं जाएगा। तो ये आता है कि आपका इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है क्या, इंटरनल डिस्ट्रक्शन, जो कि आपका अंदर का डिस्ट्रक्शन है। वहाँ पे मन का डिस्ट्रक्शन, जो आपको मन आपको भ्रमित करता है, उसी को बोलता है क्या, इंटरनल डिस्ट्रक्शन। जैसे कि हो गया आपका, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और कुछ सोच में लग गए, और उस सोच में आप खो गए, तो वो क्या क्या आपका डे ड्रीमिंग या फिर इंटरनल डिस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। या फिर आपका हो गया हंगर, आपको काम करने का टाइम ही खाली भूख लग रही है, तो क्या कीजिए, काम करने से पहले जितना खाना है खा लीजिए, उसके बाद काम करने का टाइम पे खाने को अवॉइड कर दीजिए। और आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अगर आप टेंशन लेके काम करेंगे,
स्ट्रेस लेके काम करेंगे आपका काम ठीक से नहीं होगा। आपको एक क्लियर माइंड के साथ काम करना है, तो आपका काम क्या है अच्छे से पूरा होगा। अभी हम लोग डिस्ट्रेक्शन को मैनेज कैसे कर सकते हैं, पहला जो यहाँ पे टेक्निक बोला है जिससे हम लोग डिस्ट्रैक्शन को एकदम खत्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन मिनिमाइज कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे। पहले क्या है, डिजिटल डिटॉक्स। कुछ टाइम के लिए हम लोग को डिजिटल डिटॉक्स करना है, मतलब जो भी डिजिटल डिवाइस से इससे दूर जाना है और कोई हॉबीज को एक्सप्लोर करना है, जैसे कि कोई क्राफ्ट बनाना, ड्रॉइंग करना, या फिर ऐसे आप घूमने निकल गए कोई गार्डन पे घूम के आ गए, उससे क्या होता है आपका मेंटल क्लियरिटी एक बन जाती है, आप डिस्ट्रैक्शन से काफी दूर जाते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड वर्क प्लेसेस। आपको ऐसा एक वर्क प्लेस सेट करने, जो आपका काम करने का जगह रहेगा जहाँ पे आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन काफी कम रहेगा, जैसे कि आपका हो गया कोई बुला रहा है, ऐसे काम नहीं होना चाहिए, ऐसे जगह नहीं होना चाहिए, और फोन आ रहा है बार बार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपका नॉइस कम हो, तो ऐसा एक वर्क प्लेस आपको डेजिग्नेट करना है जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। नेक्स्ट, आपको टाइम मैनेजमेंट जो कि टेक्निक बताया गया है, ई हाउजन मैट्रिक्स, पोमोडोरो टेक्निक, ये सब टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है, तो इससे आप डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि जहाँ पे आप ब्रेक लेते हैं तो आपका मेंटल एक क्लियरिटी आ जाएगा, वहाँ पे आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। शेड्यूल ब्रेक्स, ब्रेक्स को शेड्यूल करना है, ब्रेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स अगर आप नहीं लेंगे तो आपका बर्नआउट हो जाएंगे। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ध्यान देके कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं, सिर्फ अपना ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बीच बीच में दिन का जब भी टाइम मिले मेडिटेशन कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट, आपको कुछ नहीं करना है, अब बैठना है आपको खाली, अच्छा बैठना है और आपको ब्रीथ में ध्यान रखना है, जब सांस ले रहे उस पर ध्यान देना है, तो उससे क्या होगा, मेंटली क्लियरिटी हो जाएगा और आप फिर से काम को अच्छे से करोगे। और नेक्स्ट, आपको लाइफ में हेल्दी हैबिट्स को लाना है, जैसे कि आपका एक्सरसाइज करना, उसके बाद आपका हो गया कि हेल्दी खाना खाना, जो भी हेल्दी चीजें हैं उसको आपको लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, अच्छे अच्छे बुक्स करना, बुक्स पढ़ना, तो इसको आप अगर लाएंगे लाइफ में तो आपका काम करने का एक मन भी रहेगा और एक प्रॉपर वे में आप काम भी कर पाएंगे, आपका एक नजरिया जो है चेंज हो जाएगा, तो आप अपने काम को और भी इनहांस कर पाएंगे। अभी ब्रेक्स इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहला इम्प्रूव फोकस। ब्रेक से क्या होता है, आपका फोकस काफी बढ़ जाता है, छोटा छोटा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद काम करने का मन और भी ज्यादा जाता है और आपका प्रोडक्टिविटी काफी इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, बर्नआउट को प्रिवेंट करते हैं। आप अगर दिन भर काम करते रहते हैं आपका बर्नआउट हो जाएगा, क्योंकि आपको मेंटल पावर इतना नहीं बचता है, फिजिकल एग्जॉशन हो जाता है, तो क्या होता है, आप काम करने के उसका मन ही रह नहीं जाएगा, आपको अगर कोई डिस्ट्रक्शन आपको ले लिया तो उसमें आप घुस घुस जाएंगे, तो इसलिए ब्रेक्स काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आपका क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जैसे कि आप काम के बीच में अगर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जैसे कि आपने नेचर को थोड़ा देख लिया, तो वहाँ पे एक आपका अलग थिंकिंग हो जाता है, तो आपका काम में उस थिंकिंग को, उस क्रिएटिव थिंकिंग को लगा के काम को और एनहांस कर पाएंगे। आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम रहता है मेंटल ब्रेक्स लेने से, क्योंकि जैसे कि ऑफिस में आपने छोटा सा चाय का ब्रेक ले लिया, तो वहाँ पे काम का एक टेंशन था, आपने छोटा सा ब्रेक ले लिया, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है काफी कम गया है। नेक्स्ट, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है, जैसे कि आप अगर दिन पूरा ऑल टाइम चेयर पे बैठे रहे तो आपका कमर अकड़ जाता है, कंधा पे दर्द करता है, तो ये सब चीजें अगर ब्रेक लेके थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका ये सब होने का चांस कम हो जाता है, तो इसलिए ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थोड़ा कर लीजिए और मेडिटेशन कर सकते हैं, तो कि आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट, इससे आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि आप काम के टाइम हैप्पी रहेंगे तो आप काम पे ज्यादा टाइम दे पाएंगे और आपका जो जो जॉब करने का क्षमता है, जॉब करने में और भी आपको मजा आएगा, काम को और सेटिस्फेक्टरी वे में आप फिनिश कर पाएंगे। अभी ब्रेक कैसा कैसा टाइप का है, पहला टाइप है आपका माइक्रो ब्रेक, जो कि 1-2 मिनट का आप
ले सकते हैं, जहाँ पे आप खाली आंख बंद करके रख दिया, आपका आंख दुख गया होगा, अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं या मोबाइल फोन से पढ़ रहे तो आंख में दर्द हो जाता है देखने के लिए, तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लिया, आंख बंद करके बैठा रहिए, तो आपका आई जो है स्ट्रेच नहीं होगा। नेक्स्ट आप कॉफी ब्रेक लिखा है, चाय का ब्रेक भी ले सकते हैं 5-10 मिनट का, वहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, आपका एनर्जी भी बढ़ेगा और अच्छा चीज खाइए, हेल्दी चीज खाइए, तो आपका काम करने का मन भी जाएगा। छोटा छोटा ब्रेक लीजिए, 5 से 10 मिनट का ये ब्रेक हो गया। नेक्स्ट जो लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक या फिर लंच ब्रेक में 30 से 60 मिनट का ब्रेक रहता है, आपको कोई कोई जल्दी भी खाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगा के खाइए खाइए, तो आपका खाना भी अच्छे से हजम होगा और नेक्स्ट टाइम जब आप काम करेंगे तो आप काम करने में भी मजा आएगा। लास्ट में क्या है, वर्क ब्रेक्स, तो काम के टाइम पे कभी कभी वॉकिंग पे निकल जाइए, वॉकिंग पे निकल के वहाँ पे थोड़ा सा घूम के आइए, तो मेंटल आपका स्ट्रेस काफी कम जाएगा। तो ये सब टाइप्स ऑफ ब्रेक है, पहले माइक्रो ब्रेक्स, वहाँ पे आँख बंद के रख दीजिए, आँख बंद करके रख दीजिए थोड़ा टाइम के लिए, कॉफी या टी ब्रेक्स 5 से 10 मिनट का, लंच ब्रेक और वर्क ब्रेक्स, ऐसा टाइप का ब्रेक्स ले सकते हैं आप। अभी जो पॉइंट है यहाँ पे है वर्क लाइफ बैलेंस, काम और जिंदगी के जो बैलेंस हम लोग मेंटेन करते हैं, इसे काम भी इम्पोर्टेंट है और लाइफ को जीना भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को बैलेंस करके अगर हम अच्छे से रख पाएंगे तो ही हम जीवन में जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पहला जो इसका बेनिफिट है, आपका मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, जो अगर दोनों के बीच में आप अच्छे से टाइम दे पा रहे, मैनेज कर पाएंगे, आपका मेंटल हेल्थ काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका फिजिकल हेल्थ भी रहेगा, क्योंकि आप घर पे भी टाइम दे रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आपका रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, फ्रेंड्स के साथ, बाकी ऑफिस कॉलेज के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आप कम टाइम पे ज्यादा काम कर पाएंगे, और लास्टली आपका क्रिएटिविटी भी और आगे बढ़ जाएगा, आप ज्यादा आइडियाज अपने काम पे डाल पाएंगे, तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस काफी इम्पोर्टेंट है। अभी वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, काम और कभी कभी काम बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी कभी घर का जो फैमिली को टाइम देना भी इम्पोर्टेंट रहता है, इसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है जिसको हम लोग देखेंगे। अभी पहले आपको बाउंड्री सेट करना है कि ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो इतना टाइम तक ही काम कर रहे हैं, कभी कभी हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इतना टाइम ही काम करना है, जैसे कि 8 से 10, 9 घंटा या फिर 10 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको घर पे भी टाइम देना है, अपने लिए टाइम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रायोरिटाइज टास्क, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको ज्यादा प्रायोरिटी के साथ कीजिए, और जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डेलीगेट दूसरे किसी और को दे दीजिए या फिर एलिमिनेट कर दीजिए जो एकदम ही इम्पोर्टेंट है। अनप्लग आफ्टर वर्क, काम के बाद थोड़ा मोबाइल या फिर काम का जो भी एक्सेस है, ईमेल से, वो सबसे थोड़ा दूर रहिए, आप अपने फैमिली को ज्यादा टाइम दीजिए, फ्रेंड के साथ बात कीजिए, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो। काम के बाद फैमिली को टाइम देना है, उसके बाद दोस्तों को भी थोड़ा टाइम देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली हैबिट्स में एक्सरसाइज को डाल लीजिए अपने रूटीन में, तो क्या होगा, आप अगर एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपका एक बूस्टर होगा, फिजिकली आप चार्जर रहेंगे, काम पे भी ज्यादा टाइम दे पाएंगे, और जो टाइम देंगे वो इफेक्टिव रहेगा और घर पे भी अच्छे से टाइम दे पाएंगे। प्लान लीजर एक्टिविटीज, लीजर एक्टिविटीज मतलब जब आप कोई हॉबीज को एक्सप्लोर कर सकते हो उस टाइम पे, जैसे कि आप किताब पढ़ने, एक्स्ट्रा किताब पढ़ना, स्टोरी बुक पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो वो टाइम आप दे सकते हैं, अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, और भी चीजें रहते हैं हॉबीज, जैसे कि कुछ को पेंटिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो वो सब चीजें भी अपने लाइफ पे लाइए। और लास्ट में लर्न टू से नो, क्योंकि ज्यादा अगर आप कमिट कर पाएंगे, कमिट कर देंगे तो क्या होगा, आपका काम अच्छे से नहीं होगा, मतलब अगर आपका बॉस आपको ज्यादा काम दे रहे हैं तो बोल लीजिए इतना टाइम पे तो इतना ही काम होगा, उससे ज्यादा सर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा काम ले लेंगे बाद में टाइम पे आप नहीं दे पाएंगे काम, तो आपका ही जॉब में हेम्पर होगा, करियर में डेवलपमेंट का हेम्पर हो जाएगा, तो विदिन टाइम जितना काम आप कर पाएंगे उतना ही काम लीजिए, या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप ज्यादा टारगेट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कीजिए, तो ये आपका क्या होगा,
ये बैलेंस बना रहेगा। अभी एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, साउंड साउंड नहीं आएगा आपका, खाली आपको स्क्रीन को देखना है। यहाँ पे लिखा रहेगा, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगा। छोटा सा वीडियो है टाइम का ऊपर, जो आपको देखना है। तो इससे आपको क्या सीख मिलता है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, मैं इसको बीच बीच में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले देख लीजिए। तो अभी तक क्या हुआ, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक किंग और एक आदमी जो कि लेजी है, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो किंग ने दोस्त को बोला, तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं, तो तुम अच्छे से परिवार को संभाल पाएंगे। तो वो लेजी मैन ने, जो आलसी आदमी था, किंग को बोला, राजा को बोला कि मुझे कोई काम नहीं देता है, क्योंकि मैं ज्यादा आलस करता हूँ, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता है। किंग ने बोला कि तुम मेरा महल पे आ जाओ आज शाम तक, तो उसके बाद जो बहुत सारे हीरे जवाहरात वहां से ले लेना। तो उसके बाद क्या होता है अभी देखते हैं। ओके, तो वीडियो में सारा लिखा ही है, आपको सुनने का जरूरत नहीं है, सारा चीज लिखा है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, एक किंग और एक लेजी आदमी, दोनों काफी अच्छा दोस्त रहते हैं। तो पहले लेजी किंग ने दोस्त को बोला कि तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, ताकि तुम अपने परिवार को और भी अच्छे से चला पाओ। तो लेजी आदमी किंग को बोलता है कि मैंने काम के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन कोई भी मुझे काम को काम में लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। किंग ने उसको बोला कि तुम मेरे महल पे आ जाओ आज शाम तक, वहां से जितने भी तुमको हीरे जवाहरात चाहिए वहां से ले जाओ। तो किंग, जो लेजी आदमी है, वो अपने घर में आके अपने बीवी को बताता है कि किंग ने मुझे ऐसा ऐसा ऑफर दिया। तो उसका पत्नी उसको बोलते है, तुम जल्दी से जल्दी चला जाओ और लेके आओ। लेकिन लेजी आदमी क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद उसके बाद नींद भी आ जाता है, वो सो भी जाते हैं वहाँ पे, 1 घंटा वो सो जाते हैं। उसके बाद उठने के बाद थोड़ा वो निकलता है और सामान लेके निकलते हैं, लेकिन वो चलते चलते थक जाते हैं, फिर से वो सो जाते हैं, 4-5 घंटे तक सोए रहते हैं। लेकिन उसके बाद जाते जाते जब आप महल का पास पहुंचते हैं, तो दिन ढल जाता है, शाम हो जाता है, और महल का जो दरवाजा है वो भी खत्म बंद हो जाता है। तो उससे उसका एक जो गोल्डन चांस था बहुत सारे चीजें लेने का, वो नहीं ले पाते, गोल्डन चांस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि उसने समय का वैल्यू को पहचाना नहीं है, इसलिए वो ये अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाता है। इसलिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम टाइम का काम टाइम पे नहीं करेंगे, तो आपका टाइम का जो काम अगर हम
टाइम पे नहीं करेंगे तो हम लोग को बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा, तो इसलिए हमको क्या करना है, टाइम का काम टाइम पे करना है। तो इस वीडियो से हमको ये सीख मिलता है कि अगर हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपका जो टाइम है वो लौट के फिर से नहीं आएगा और हम लोग गोल्डन चांस को मिस कर सकते हैं। तो हम लोग के जो संत महात्मा है वो लोग ने भी काफी इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीजें बोले, जैसे कि संत कबीर जी ने बोले, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगा बहोरी करेगा तब। तो मतलब जो काम इम्पोर्टेंट है उसको आपको जल्दी से जल्दी करना है, अगर आप उसको टाल दे रहेंगे तो कल क्या होगा, बाद में क्या होगा आपको नहीं पता, आपको दूसरा इम्पोर्टेंट काम आ सकते हैं, पल में प्रलय होएगा मतलब भूकंप आ सकते हैं, प्रलय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसको आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि नेक्स्ट पल में क्या होगा आपको भी नहीं पता। खाली खाली मतलब आपका ऑफिस का काम ही नहीं, जो आपको अगर कोई दोस्त का टाइम देना है, पुराने दोस्त के साथ बात करना है, उनको भी टाइम देना है, सभी को टाइम देना है और टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है, क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हम लोग का लाइफ का, जो आपका काम का एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपका रिलेशनशिप को एनहांस करता है। तो इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, आई होप सभी लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन, टाइम मैनेजमेंट का सेशन, और आप जो भी टेक्निक्स बताया गया है जिसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और आपका टाइम का एक प्रॉपर यूटिलाइज करिए। थैंक यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एपीएलएल, एपीएलएल के पूरा टीम से आपको धन्यवाद करता हूँ मैं। थैंक यू।